हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से यार बिजी थी, व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी, एंड फाइनली मुझे आज टाइम मिला, बिकॉज आज संडे है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक अपने मेहमान से मिलवाऊंगी, जिसके आने से हमारी ज़िंदगी में ना खुशियाँ हो गई वाकई में। मतलब यार, वैसे हम बोरिंग से बैठे रहते थे, कुछ मज़ा ही नहीं आता था, अपने फ़ोन में वगैरह सब रहते थे। तो आज मैं आपको उस मेहमान से मिलवाऊंगी, अपने मेहमान से। बहुत प्यारा सा है मेरा मेहमान, बहुत क्यूट सा है, आप उसको देखोगे ना आपको कहोगे कितना क्यूट है यार, ये कितना क्यूट है। तो अच्छा, मुझे कॉमेंट बताना वो एनिमल्स की कैटेगरी में तो मैंने क्या लाई हूँ मैं अपने घर में, कैट है, डॉग है, बर्ड है, तो ज़रूर मुझे बताना कॉमेंट। वैसे तो आप देख कर ही समझ जाओगे। तो चलो मैं लगाती हूँ अपने मेहमान। तो गाइस, मेरे मेहमान ना इस टाइम बहुत फुर्ती में है, बहुत ज़्यादा फुर्ती में है मेरी मेहमान, और वो इतना खेल रही है ना बहुत ज़्यादा, हम इसे परेशानी करते थे, इतना उधम मचा के रखती, इतना उधम मचा रही, लेकिन इसके उधम मचाने से हमें बहुत खुशी मिलती है। मतलब इतना ना, मतलब चहल पहल होती रहती है, हमें बहुत मज़ा आता है सच में। तो मिलोगे मेरे मेहमान से? चलो मिलाती हूँ। तो गाइस, मेरी किचन है बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है, बहुत नन्ही सी, ओनली टू मंथ्स की मेरी किचन है, एंड उसका नाम है हेजल। तो मीट माय हेजल, आज मेरा ब्लॉग है ये कि मेरी हेजल से मिलो, मेरी किचन से मिलो। तो चलो मैं आपको अपनी किचन से मिलवाती हूँ, मेरी बहुत प्यारी किचन, चलो मिलवाती हूँ। तो यार एक्चुअली मुझे अभी नहीं पता वो कहाँ है। असल में ये ना बहुत जगह घुसती रहती है, कभी सोफों के नीचे, कभी कहीं कभी कहीं कहीं कहीं। तो अभी मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल चुकी है, ये सोफे के नीचे है, तो मुझे सोफे के नीचे से इनको निकालना पड़ेगा, एंड देन आपको शो करूँगी मैं। हेजल नहीं सच्ची, हेजल सुन देखो, भाग गई। हेजल इधर तो आ, हेजल इधर आ, मेरा बेटा इधर आ, मेरा बेटा हेजू इधर आओ। इसका नाम है हेजल, इसे हम बहुत प्यार करते हैं, बेटो ये पंजे बहुत प्यार करते हैं, इसके पंजे इतने बड़े हैं। असल में ये 3 मंथ्स की नहीं हुई, मैंने सोचा था देखो मैं लीव पकड़ रही है। तो एक्चुअली मैंने इसके नेल्स वगैरह कट नहीं करे, बिकॉज मैंने सुना है कि 3 मंथ से पहले कितन के नेल्स कट नहीं करते, कट करने वाले करते भी हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, फ़र्क पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए। तो देखो बहुत बदमाश, चलो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो गाइस, आप इसकी हरकत देख सकते हैं कहाँ गई है, ये देखो इसकी हरकत देखो, ये इतना परेशान करती है, और पता है रात को तो ब्लैंकेट में घुस जाती है हमारे, इतना परेशान करती है बहुत ज़्यादा हमें। अब भी पता नहीं कहाँ कहाँ घुसने की फ़िराक में ये बहुत ज़्यादा। अब ये घुसी हुई है सोफे के नीचे, अब मैं सोफे के नीचे निकालूँ तो पंजे मार रही है मुझे, इसके पंजे माशाल्लाह से इतने शार्प है ना, बहुत ज़्यादा अगर लग गए ना, पता है मेरा ब्लड वगैरह भी निकल चुका है बहुत दफ़ा, एकदम कुछ एकदम खिचखिचित सी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। अब देखो जा रही वॉशरूम की तरफ, पता नहीं क्या करेगी, अच्छे से पानी डालो ना एकदम भागी, चलो मैं शो करवाती हूँ पानी फेंक के इसके ऊपर। तो यहाँ से अभी मैं ले लेती हूँ पानी, थोड़ा सा लूंगी पानी, तो देखो मेरे हाथ में पानी, अब देखना हेजू, देखो देखो एकदम भागी, देखो देखो हेजल देखो कितनी जल्दी भागती है, तो बहुत जल्दी भागती है, इसको पानी से बहुत डर लगता है, मेरे बेटे को पानी से डर लगता है, मेरे बेटे को पानी से डर लगता है, पानी से इसको बहुत डर लगता है गाइस। और देखो मुझे कमेंट बताओ कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह से, इसके फर वगैरह इतने माशाल्लाह सॉफ्ट है, इतने ज़्यादा कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसकी जो देखो इसकी नेक में ना, असल मैंने बेल लगा रखी, बिकॉज होता है खतरा होता है कि पता नहीं पैरों वगैरह में आ जाएगी, तो हमने इसकी बेल लगा रखी। अब देखो मेरे सामान में कैसे घुसी थी, देखो उसने क्या सब किया, नाश कर दिया सब सामान का मेरे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर हर चीज़ कुर्बान है वाकई, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये हरकतें। देखो इन मैडम की, अब देखो ये ना वहाँ पे जाके हरकतबाजी करेगी, देखना अब ये सब किस सब पता है सब निकालेगी बाहर, ये देखो हेजू, हेजल, हेजल के नाम सुनती है, हेजल, हेजू मेरा बेटा। तो गाइस, आप मेरी हेजल से मिले, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मेरी हेजल को बताना कितनी प्यारी है। पता है एक्चुअली ये ना सेमी पर्शियन है, इसके डैडी पर्शियन, मामा इंडियन है, तो मिक्स हुआ सेमी पर्शियन, तो ये सेमी पर्शियन है, और मैंने इसको बाय करी, ये बहुत प्यारी है। देखो मैं इसे ना गोदी में उठाते हैं तो क्या रिएक्शन करें, पहली बात तो गोदी में आएगी, इसको गोद में आना पसंद नहीं है, इसको कई चीज़ अच्छी नहीं लगती, पता है फूड में, बस खाने में भी अपना कैट फूड खाती है और चिकन खाती है, बस इसे दो चीज़ें बहुत पसंद है, बाकी कुछ नहीं खाती है। हेजू आओ मेरे पास आना एक दफ़ा, बेटा मेरा बेटा मेरा हेजू, हेजू बहुत बालश है ये मेरा, इसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बहन से बढ़कर प्यार करती हूँ, ये मेरा बहुत प्यारा बेटा, ये फीमेल है एक्चुअली, और इतनी प्यारी है ये बहुत ज़्यादा यार, जब से ये आई है ना, मम्मा पता है पहले से डर रही थी जब ये आई थी कि पता नहीं क्या होगा, कि हमने फर्स्ट टाइम किचन रखी है, इससे पहले नहीं रखी, तो इतना डर रहे थे हम, बहुत वाकई में बहुत डर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ कैसे नहीं, लेकिन इतनी प्यारी माशाल्लाह लगती है, मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करती, वैसे बदमाशी करती है दिन भर में, लेकिन हमें इतना ही लगता है इसकी बदमाशी से हमें खुशी मिलती है कि घर में रौनक है।
तो गाइस अभी ये खेल रही है, इसका मूड नहीं है मेरे पास अभी आने का, बिकॉज जब ये थोड़ी ना मतलब लेजी लेजी सी होती है, और जब इसको प्यार करना था तब आती है हमारे पास, वरना इसका ये शैतानी मोड है। अभी इसका शैतानी मोड ऑन है और ये इधर से उधर उधर से इधर करती ही रही, और अभी हाथों में नहीं आएगी, और पता है इसको हाथ में लेकर ना काटे गई है, कट करती है, किचट करती है, बाइट करती है बहुत ज़्यादा ये हमें पता है। एक्चुअली ना मैं इसने हाथ पे पता बाइट करती तो निशान चला गया जब ये आई थी, तो इसको नया नया सा लगा था घर, तो जब ये आई थी इसने मुझे बाइट कर लिया, तो सोच रही पता नहीं क्या है क्या नहीं, बिकॉज जहाँ से मैं आई थी तो इसके वहाँ पे मम्मा पापा वगैरह सब थे, तो होता है ना मतलब एक जगह से चाहे इंसान हो कोई भी हो जानवर वगैरह, तो उसको अगर शिफ्ट करते हैं तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग जाता है उसे कि मतलब क्या है नया नया सा है, तो उसने मुझे बाइट कर लिया था, लेकिन अब नहीं करती बिल्कुल भी, बस पंजे मारती है। वो भी इसलिए मारती है क्योंकि हम इससे परेशान करते रहते हैं, हम कहते हैं इधर आ जाओ उधर आ जाओ, इसको बहुत पकड़ते हैं इसलिए इरीटेट हो जाती है, ये इरीटेट होने की वजह से हमें पंजे मारती है, वरना नहीं करती। अब देखो बहुत माशाल्लाह से भी खेले, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पता ही मुझे लग रहा है अभी सोएगी, और देखो इसकी रील, अच्छा देखो मैं इसको की हरकत करा, देखो रील नहीं है, अब देखो भागेगी, नहीं भाग रही, लगता है इसको सोना है, मेरे बेटे को सोना है, ओले मिला हेजल सोएगा, इसको गाइस सोना है इसका मतलब अब, वरना अगर ये ना खेलती फूलती, क्योंकि बहुत अभी देर से खेल रही थी, भाग रही कितनी बदतमीज है यार ये, कितना मुझे वो करती है मतलब खेलो तो ठीक नहीं खेलो तो फिर भी ठीक। अब देखो इसको, देखो देखो देखो, अच्छा इसको चर चर की कुछ भी आवाज़ आएगी ना एकदम भागेगी उस चीज़ के पीछे। हेजल कैच इट गो, देख देख, चलो इज्जत बचा ली तूने मेरी, इज्जत बचा ली इसने मेरी, अब ये भाग रही है, अभी देखो खेलेगी, अब सोफे के नीचे तक जाती है ये, देखना अभी से, अब देखो भागेगी भागेगी, पता है वहां तक की चढ़ जाती है ऊपर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगी, हरकतबाजी बहुत कर रही है, देखो कैसे बाइट करती है यार ये, इसने ऐसी मुझे बाइट करा था, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पता है लोहे का हमारा गेट है ना स्टील का बाहर का, तो उस पर एकदम चढ़ जाती है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे चढ़ती है उस पर। अब ये है गेट, अब देखो यहाँ पे चढ़ाऊंगी मैं इसको गेट के ऊपर, अभी देखना कैसे चढ़ेगी। अच्छा एक्चुअली इसका ना टॉय भी खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, पता है अपने टॉयज को कहाँ कहाँ घुसेड़ देती है, बेड के नीचे कहाँ कहाँ, पता नहीं इसने अपना टॉय कहाँ कर दिया, बर्ड्स वाले उसमें बर्ड्स लटकी रहती है, तो इससे बहुत शौक से खेलती है, तो टॉय अभी बस मैं इसका ढूंढ रही हूँ, अगर टॉय मिल जाता मैं इसको गेट के ऊपर चढ़ाती फिर आपको दिखाती, लेकिन अगर टॉय नहीं मिला तो कुछ और लटकने वाली चीज़ें वो उससे भी आ जाएगी। तो अब जैसे कि मेरे पास ये टाई है नबीला की स्कूल की, तो अभी मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता आए या ना आए, गारंटी ले सकती क्योंकि उसी से आती है ये, तो चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। हेज़ल आ रही आ रही, हेज़ल देखो 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 देखो, हेज़ल देखो माशाल्लाह चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, देखो मुझे यकीन नहीं था क्या पता चढ़े ना चढ़े, ये हर लटकने वाली चीज़ पे चढ़ जाती है, देखो 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 ये बता इसको लटकाने को तो मैं यहाँ पे भी लटका दूँ, लेकिन ये ना अभी मैं इतना चाहती नहीं कितनी हाइट पे जाइए। हेज़ल लो देखो 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 देखो, चलो माशाल्लाह चढ़ गई, मुझे डाउट था चढ़े ना चढ़े, अब देखो ना इसे छोड़ दो, ये नबीला की टाई है स्कूल की, वो तुम्हें बहुत मारेगी, छोड़ो जब से आइए ना बहुत हमें परेशान करती है, हम बहुत खुश भी होते हैं, मतलब परेशान कुछ सब होते हैं इसकी वजह से हम। हेज़ू बेटा देखो इन मैडम को, ये इन्होंने डोर मैट को अपने अंदर कर लिया, इसलिए हम इस डोर मैट को ना स्केल बना के बहुत क्लीन रखते हैं हम इस डोर मैट को, ये देखो दिख रही है कहाँ है ये, अब देखना मैं एकदम उठाऊंगी। हेज़ू हेज़ल देख लो गाइस आप इसकी हरकतें, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें इसकी, देखो बिल्कुल मेरे पास आ गई, अब देखना डोर मैट एकदम पीछे करूँ एकदम भागी, देखो एकदम भागी है, इस डोर मैट के अंदर बैठी रहती है, बहुत परेशान करती है बहुत ज्यादा, ये देखो इसकी कर्तव्य, हमें डर भी लगता है, पता है इसने अपनी चोट भी लगाई, देखो आपको इसकी चोट दिखाऊं, हेज़ू अपनी चोट दिखाऊं, देखो ये इतनी बदतमीज है हाथ में भी नहीं आ रही, देखो इस टाइम हेज़ल रुक तो मेरा बेटा, हाय अल्लाह भाग गई। सो गाइस फाइनली देखो मैं ये मेरे पकड़ में आ ही गई, देखो इसके आप देख सकते हो, देखो ये जो ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है यहाँ पे इसकी चोट लगी मेरे बाबू के, पता है इसने अपने आपको पता नहीं कहाँ से मार लिया यार, मेरे समझ से बाहर है, चलो जाओ तुम खेल लो, इसको पसंद नहीं आना, पता नहीं इसने कहाँ से मार लिया अपनी, मेरे समझ से बाहर है, इतनी तेज़ मारा है इसने, इतनी तेज़ मारा है इसने अपने आपको यहाँ पे आइस के पास, मैं डर गई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो लेकिन इसके ओनर ने मुझे पाउडर लिख के दिया और बहुत इफेक्टिव हुआ, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, रिजल्ट अच्छे हो उसके, वरना बहुत पता नहीं अजीब अजीब से इसका दाग से लग गया था यहाँ पे, तो ठीक हो रहा है वो माशाल्लाह से। हेज़ल हेज़ल देखो देखो, अच्छा इसकी आंखें ना मुझे पता नहीं कोई बंदर की तरह लगती है, गोल गोल सी इसकी आंखें, इतनी प्यारी लगती है माशाल्लाह से, इसी माशाल्लाह, अच्छा कमेंट माशाल्लाह जरूर लिखना बिकॉज इतनी प्यारी जो है। तो गाइस इन मैडम का नाम हेज़ल है, और हम सोच रहे हैं इनका दुल्हा लाएं ना लाएं, क्योंकि मम्मा तो बहुत पीज, मम्मा कह रही है अगर तूने दुल्हा लाया तो मुझे बहुत कूट दूंगी आपके, क्योंकि यार इसको संभालना बहुत मुश्किल है, एक किचन की जिम्मेदारी होना बहुत मुश्किल है, सबको लगता है दूर दूर से कि भाई किचन है रहती होती है, लेकिन पता है नखरे बहुत होते हैं लोगों के, जैसे हमारे नखरे होते हैं वैसे ही फुल इनके नखरे होते हैं, अगर आप देखो पालो तो ठीक से पालो वरना मत पालो। तो बस यार हम सोच रहे हैं इसका दुल्हा लाएं या ना लाएं, अगर दुल्हा लाए तो जरूर इसका ब्लॉग भी बनाऊंगी, इसकी शादी का ब्लॉग बनाऊंगी मैं, तो देखते हैं चलो भी। तो गाइस आपको मेरी हेज़ल से मिलके कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी हेज़ल कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह से, ये हमसे प्यारी आपको पता है बहुत प्यारी माशाल्लाह से, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ सच में, तो आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, देन बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर, और अगर आप चाहते हो मैं अपनी किचन की और वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बाय बाय अल्लाह हाफिज़।